हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर हम एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हमने ये सेब लिए हुए हैं, 4 सेब था हमारे पास। तो हम खीर बनाएंगे सेब का। तो ये हम ना बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। ये हम ना पतीले को चढ़ाए हुए हैं और ये हम घी डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि तड़का लगाने के लिए मैं घी डाल रही हूँ। तो मैंने ना थोड़ा सा तेजपत्ता लौंग लिए हैं, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हमने दूध लिए हुए हैं, फुल क्रीम दूध लिए हुए हैं। तो इसमें हम ना थोड़ा सा आधा गिलास पानी भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चावल पकेगा बहुत अच्छे से। ये हम सेब के ना पूरा छिलका को हम उतार लेंगे और रखे हुए हैं, और ये फुल क्रीम रखे हुए हैं, ये इसमें हम डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा चावल भी ऐड करेंगे इसमें। तो ये चावल को हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं, इसको सारे चावल को हम डाल देते हैं। तो हम इसको चला देते हैं। मैंने सारे चावल को डाल दिए इसमें। थोड़ा सा चावल डालना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हम शेर को ना सेब था इसको हम ग्लेंडर में पीस चुके हैं, इसको इसी में हम डाल देते हैं सारे को, और इसको हम चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा खीर जो है वो रेडी हो रहा है, अभी बहुत बाकी है। ये हमने फुल क्रीम रखे थे, इसको ऊपर से हम डाल देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत हमारा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, शुगर को। ये जब तैयार हो चलता है तब शुगर डाले जाती है, और गुड़ वाला जो बनाता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक रोज़ बना के आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। तो ये देखिए, ये जब तक हमारा तैयार हो चुका है, फिर हम इसमें शुगर ऐड करें हैं। अभी इसको हम पकाएंगे अच्छे से नॉर्मल आंच पर। तो ये हम ना थोड़ा सा अखरोट लिए हुए हैं, और इसको हम महीन महीन कर कर डालेंगे। तो ये हम अखरोट को पीस चुके हैं, थोड़ा सा किशमिश है तो इसमें हम सारे को डाल देते हैं। बहुत यमी लग रहा है देखने में। आप लोग भी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये हमारी सेब खीर कैसी लगी। तब इसको और अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन होता है इसको। जितने अच्छे से पकाइएगा नॉर्मल आंच पे, तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ना सेब का खीर जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम अलग बर्तन में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा सेब का खीर बहुत अच्छा खाने में लग रहा है। यकीन मानिए, बहुत आप लोगों को पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसा लगा हमारे ये सेब का रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो यहीं पे हम एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे भैया दीदी जितना भी देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।